तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मैं कोचिंग में घुसा, अगर मैं सोचूं कि कोचिंग में घुसने का, तो डिपेंड करता है कि मैं कितना अपने आप को कमिट कर सकता हूं और कितनी मैं कमिटमेंट दे सकता हूं, बिकॉज जो भी काम करूंगा 100% कमिटमेंट से करूंगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले भारत की टीम में गौतम गंभीर को हेड कोच बनाने की मांग अब काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। अभी इस वर्ल्ड कप में तो राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच हैं, लेकिन इसके बाद उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और ऐसे में गौतम गंभीर भारतीय टीम के नए हेड कोच बनने के लिए बिल्कुल फ्रंट रनर की पोजीशन पर है। गौतम गंभीर की साइड से हमें फाइनली स्टेटमेंट देखने को मिल चुकी है, जहां पर उन्होंने कहा कि करेंटली मैं KKR की टीम के साथ हूं, लेकिन अगर BCCI को मेरी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है तो फिर मैं काफी क्लियर कट बताना चाहता हूं कि मेरे लिए टीम और उसके साथ ही देश सबसे पहले निकलकर आता है। तो ऐसे में अगर वो मुझे हेड कोच बनाना चाहते हैं तो मुझे पूरी फ्रीडम चाहिए कि मैं प्लेयर्स को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर पाऊं, ना सिर्फ एक्सपीरियंस के हिसाब से बल्कि उन प्लेयर्स को भी मौका दिया जा सके जो कि एज में कम है, क्योंकि भारत को T20 क्रिकेट में काफी यंग ब्लड की रिक्वायरमेंट है। गंभीर ने कहा कि उनके हिसाब से टीम में कोई भी प्लेयर और उसके सेल्फ गोल टीम से बड़े नहीं होने चाहिए। अगर BCCI इन सभी बातों पर अग्री करती है तो हेड कोच बनने के लिए तैयार है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताना कि आप लोग गौतम गंभीर को T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद भारतीय टीम का हेड कोच बनते हुए देखना चाहते हैं या फिर नहीं।